सुनो जल्दी से ऑलराइट को सब्सक्राइब करो और हमें 3 मिलियन फैमिली बना दो। गाइज प्लीज बकचोदी मत करो यार, प्लीज सच सच बताओ कैसी लग रही हूँ? हैव आई डन टू मच? इसको हटाऊं क्या? नहीं, सेक्सी लॉन्जरी बिल्कुल सेट लग रही है। मुंह खोल। स्ट्रॉबेरीज हाँ बहुत हॉट लग रही है। रेड हॉट चिली पेपर भी तेरे सामने फीका लग जाए। और हाँ, ये सेंट की खुशबू 2 दिन तक उसके तके से नहीं जाएगी, तेरी याद से आएगी। प्रिपरेशन तो ठीक है, आई जस्ट होप तेरे इन सारे एफर्ट्स का कुछ लाउड हैप्पी और सैटिस्फैक्टरी आउटकम हो। मतलब कि तेरी डेट के पहले का सारा एफर्ट्स शुड बी इक्वली प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू एग्री विद हिम। यस यस यस, मतलब ऑर्गेज्म है ना? नहीं ब्रो, ऑर्गेज्म जितना मिले उतना सही। साजिश चाहे मल्टीपल की हो पर एक तो मिल ही जाना चाहिए यार। स्टीरियोटाइप तो ये है ना कि ही डिड मेक हर कम। नो ब्रो, यही नैरेटिव तो आज बदलने वाली है। यू आर गोना मेक श्योर एंड यू आर गोना लीड हिम टू मेकिंग यू से यस 100 टाइम्स। कैसे? सेंटेड कैंडल्स, वार्म लाइट्स और बहुत सारा फोरप्ले, एवरीथिंग। अरे यार एक सेकंड, ढंग से बताओ ना। देख हाँ, किस तो बनाई है हाँ। ये तो तेरे टैक्सी ड्राइवर से लेके तेरे लैंडलॉर्ड की कुत्ते को भी पता कि होने वाला है। देख वो आगे आएगा हाँ, पर मानने का नहीं। अच्छा, कीप इट गोइंग टिल द टाइम यू फाइंड द बेस्ट मोमेंट टू किस। ओके, सो कीप द किस ऑन एंड अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शुड यू मिस द फोरप्ले, कीप इट ऑन। या फिर व्हाट इफ उसको कुछ करने का मन करे? तो लूडो थोड़ी ना खेलेगी यार। जब ऑर्गेज्म के सेल्फ एग्रीमेंट के टाइम पे तू अपना ध्यान रख लेती है तो म्यूचुअल डील में वो तेरा ध्यान रख लेगा ना। मतलब कि आई शो यू। देख जैसे कि देवी मोनिका थैंक्स टू फ्रेंड्स ने हमें बताया कि एक लड़की का हैप्पी फाइनल एग्रीमेंट पॉइंट, pop the champagne or icing on the cake happens through these 7 erogenous zones. aur is point ka dhyan wo khud rakh lega. Boys are really obsessed with that, but ha, you will have to guide him. Maybe you can even tell him what you want. Exactly. Aur foreplay na soft or sweet rakhiyo. Cuddle if you want to. Abhi oye, wo dessert ke baad ka sugar neutralizer hai, to abhi usko beech mein ghusa. Malvika, pyar se bhi raste hal ho sakte hain. To ye candy aur hearts chhod and think more like against the wall, on the table, under the table, and zarurat pade to dekh. Pyar ke naam pe maram pitti mat kara. Humne bhi ye try kiya tha, maine aur Karan ne, yaad hai na kya hua tha? Once. देखिए अश्वति, वाइल्ड एंड ऑल इज ग्रेट, बट व्हाट अबाउट लव, व्हाट अबाउट पैशन? वो स्लोमो में पर्दों का हिलना, चांद का बड़ा होना, शाहरुख वाले वायलेंस बजना यार। नो ब्रो, वायलेंस तो फोन पे बजा लियो, आवाज सिर्फ खुशी की आनी चाहिए, हंसती खिलखिलाती खुशी। मालविका, जो बात प्यार भरी बातें करने में ना वो और कहीं डर्टी टॉक बोलते हैं उसे। डर्टी तो सारी बातें होती हैं मगर प्यार। अच्छा गाइस गाइस गाइस, कैन वी प्लीज फोकस ऑन मी? सब सही हो जाएगा एंड कुछ इधर उधर हो भी गया तो अपना हार्ट टिल द लास्ट। सारे सही कह रही है, इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट हैप्पी द फर्स्ट टाइम। पहली बार, दूसरी बार, 25वीं बार तक फेंक किया मैंने, बट व्हाट टू डू, एक्साइटमेंट भी तो बरकरार रखना ही पड़ता है। ओके आई गेट इट, सो एक्साइटमेंट एंड प्यार गो हैंड इन हैंड राइट?
मतलब इन द फर्स्ट सेकेंड अ डीप लुक इन टू हिज आईज एंड इन द अदर सेकेंड मे बी ऑन द वॉल और ऑन द टेबल मतलब जहाँ भी मर्जी जहाँ पर खुशी बरकरार है सो आर यू रेडी टू अग्री ऑन द मोस्ट यसेस एवर यस 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 आई एम जस्ट सो एक्साइटेड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट डेट ऑफ माय लाइफ बताना हाँ यार बताना अच्छा गाइस मैंने बोला था ना 75 के लाइक्स होंगे तभी मैं बताऊंगी कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे खिड़की से कूदना पड़ा तो जाओ जल्दी से लाइक करो ऑल्सो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ऑलराइट एंड बी ऑलराइट